पिछली लोकेशन से चलते हुए मैं यहाँ सचपास के रास्ते में यहाँ पे पहुँचा और मन कर रहा था बहुत देर से चाय पीने का, और रास्ते में मुझे कोई चाय वाला मिला नहीं, तो एक ये मिला, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये चाय यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जब मैंने बातचीत की तो यहाँ पे चाय खाना पीना सब कुछ है और लाइक होम स्टे है ये, तो मुझे लगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ एक कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जो भी लोग यहाँ पे सचपास आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ। हेलो राकेश जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारी चुनाव वैली में। थैंक यू जी, थैंक यू। ये राकेश जी हैं, यहाँ के ऑनर हैं, और इन्होंने जो है अभी स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया राकेश जी? 15 जुलाई को सर ओपनिंग की थी हमने। देसी बाइकर्स जो चैनल है उनका मैं स्वागत करता अपनी चुनाव वैली में। यहाँ आप सात पास में 12 के 12 महीने बर्फ देख सकते हैं, तो जो देसी बाइकर्स हैं और जितने भी हमारे बाहर से लोग आते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे इस क्षेत्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर अधिक से अधिक पर्यटक यहां आएंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे हमारे पूरे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए राकेश जी, थोड़ा सा इनको लोकेशन दिखाते हैं। जी सर, आपके यहाँ की, और ये बताइए यहाँ से जो आपका ये होम स्टे है जी, यहाँ से सचपास कितनी दूर है? यहाँ से सचपास सर 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर जी। और okay. अगर कोई भी बंदा बाहर से आता है यहाँ से एक स्टे करना चाहता है, तो मैंने एक छोटा सा होम स्टे बनाया है, अभी बिल्कुल नया नया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिसेप्शन है, इधर डाइनिंग हॉल है और चार कमरे साइड है, किचन है, म्यूजिक सिस्टम है, मतलब हर एक फैसिलिटी चलो देखते हैं अवेलेबल है। आइए तो एक बाई एक हम दिखाते हैं आपको सर। चलिए इसका नाम दोबारा से बताओ आप। शान ए सचपास। और इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जी सर, आप फोन करके आ सकते हो। यहाँ आप जब चंबा से या डलहौजी से आते हैं, तो अगर आप बैरागढ़ की तरफ जा रहे हैं, सचपास की तरफ जा रहे हैं, तो सचपास से 40 किलोमीटर पीछे ही मेरा एक छोटा सा होम स्टे है जो मैंने अभी नया नया बनाया है, तो उसका नाम है शान ए सचपास। मेरा फोन नंबर है 9418176201। अगर आप आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप आएंगे एक बार सेवा का मौका जरूर दें। सर एक पहाड़ी सॉन्ग है जिसमें मैंने खुद एक्ट किया हुआ है एज ए एक्टर, तो गाने का नाम है सिलो, पहाड़ी सिलो जी। तो अभी मैं आपके कुछ बोल आपको सुना रहा हूँ। डांस भी कर लेते हैं, इतना बढ़िया। थैंक यू सर, एक्टिंग भी कर लेते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब थोड़े से रूम वगैरह और दिखा दो जी सर, ताकि लोगों को पता चले। बिल्कुल सर, तभी तो लोग आएंगे। धन्यवाद। ये रूम है सर, पूरा पीवीसी वाला है और कलरफुल लाइट है, इसमें फैन लगा हुआ है, अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है।
सामने आपको यहाँ से इसी रूम से साच की पहाड़ियां दिखेंगी। साच पास यहाँ से दिखता है सर, आप यहीं से देख सकते हैं। सामने इस रूम में बंदा बैठा हुआ है, सामने साच पास पहाड़ी का आनंद ले सकता है। अभी बादल होने के कारण यहाँ से बर्फ दिखाई नहीं दे रही, नहीं तो यहीं से अंदर से ही साच पास दिखाई दे जाता है। इसके सराउंडिंग का एरिया सर आप देख सकते हैं, ये सराउंडिंग एरिया है, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी और पहाड़ियां हैं। ये यहीं पे सामने सर साच पास है, ये जो बादलों में घिरा हुआ, हाँ बादलों में अभी घिरा हुआ है, यहीं साच पास है और यहीं से बंदा साच पास का नजारा देख सकता है। सामने ये गाँव है हमारे, गाँव का भी भ्रमण कर सकते हैं। बाहर से लोग जो आते हैं यहाँ, मिट्टी के मकान भी मिलेंगे आपको। ओए होए क्या बात है, और बहुत जो अपना लोकल ट्रेडिशन है, लोकल कैसे लोग खाना खाता है, कोई हमारे यहाँ के कल्चर को जानना चाहता है तो गाँव में जाके घूमा जा सकता है। अब क्या ही बताऊँ मैं यार, इतना मजा आ रहा है ना आपसे बात करके, आपका व्यवहार देख के, नेचर देख के। थैंक यू वेरी मच, दिल जो है ना गार्डन गार्डन कर दिया। और फाइनली दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैं चाय पीने के लिए रुका था, लेकिन अब मैं भाई के पास रुक के जाऊंगा और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे यहीं पे। लव यू सर, आगे रुकेंगे? हाँ बिल्कुल, आगे रुकना था 1,00,000% प्रोग्राम आगे का बनाया था, लेकिन भाई के साथ डांस करके जो मजा आया ना, बस दिल जीत लिया भाई ने हमारा। थैंक यू, यही आवाज भाई की तरफ से। अरे हमारी तरफ से एक ही बात है सर, नया नया होम स्टे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ आप दिखा सकते हैं, हमने अपने दीवार पे पूरा तिरंगा लगा के रखा हुआ है। ये तो दिखाएंगे, दिखाने लग गई है। ये तो अभी हमारे देश में मोदी जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो दोनों साइड दीवार पे तिरंगा ही लगा के लगा दिया। ये सो दोस्तों, रुकने का तो प्लान फाइनल कर ही दिया हमने, चाय के लिए रुके थे और पूरी रात ही अब रुकेंगे हम यहाँ पे। और इतना अच्छा लग रहा है कि थोड़े से ड्रोन शॉट भी हो जाए यहाँ के, तो और लोकेशन जो है निखर के आ जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो चलिए थोड़े से ड्रोन शॉट लेते हैं।
क्या बात है
ओ हम न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे बिना, तुम देना साथ मेरा ओ हम फ्रेंड्स, आज हम यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी कल हम यहाँ पे रुके और उसमें इतना एंजॉय किया, इतनी पार्टी करी, तो मैं अपने दोस्तों का तहे दिल से, सभी दोस्तों का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन किया इन्होंने और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। हम तो यहीं आ गए भैया, हम तो यहीं आ गए। थैंक्स टू धीरज भाई। अरे यार, नहीं नहीं नहीं, थैंक्स टू ऑल वो टीम का, बाइकर्स एंड ये हमारे ये बाइकर्स ब्रदरहुड जो होता है ना, ये राकेश जी हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं ये भी दिल से बाइकर हैं, इसलिए ट्यूनिंग अपने आप बन गया। हाँ, उसमें कुछ करने मसाला डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और हमारे सिंगर साहब, इनसे तो रात को मिलवाया ही था, जिन्होंने महफिल में चार चांद लगाए और इनकी आवाज इतनी बुलंद के मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। उस चार चांद में से एक चांद चुरा के सागर जी लेके जा रहे हैं साथ में। एक चांद इनका भी था। मेरे हिसाब से कल का दिन और रात जो था यादगार थी, एंड मुझे लगता है करण जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है
शायद ही कभी ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, मैंने कभी अपना भी लाइफ में ऐसा सेलिब्रेट नहीं करा। वंस अपॉन ए टाइम या वंस इन अ ब्लू मून, क्या बोलते हैं। सो इट वाज वेरी लकी टू बी विद करण सर एंड टू सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल ओकेजन। एक चीज भाई, पार्टी ने जबरदस्ती लिया था बंदा उठ के राजी नहीं दिखाया था ना भाई, वो पैंट अभी तक नहीं चेंज किया, सुबह भी चेंज नहीं। पार्टी जबरदस्ती हो या प्यार से हो, पार्टी तो हो गई ना, पार्टी हुई इसलिए पार्टी हो गई, ये बड़ी बात हो गई। प्यार से कुछ करो तो मजा ही नहीं आता उसमें। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खुश नसीब हूँ कि आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला। हार्डली कल का मौसम ऐसा था कि मैं कम से कम यहाँ से 17 किलोमीटर दूर था, बारिश लगी हुई थी, तो हम ये ऑनर है यहाँ के, ये मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई मेरे दोस्त आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा, तो कुछ करते हैं अलग करते हैं। तो फिर दोस्ती के पीछे और आप सबके लिए 70 किलोमीटर रन करके बाइक से यहाँ पहुँचे, यहाँ का माहौल देखो तो माहौल कुछ और ही था, बहुत अच्छा लगा। मतलब सभी का हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ऊपर था, इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। मतलब चलते चलते सॉन्ग के दो शब्द, हाँ दो शब्द, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, हे 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 हे, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस।